बाजी छोड़ दो, आप टच नहीं कर सकते, आप बाजी छोड़ दो, बाजी नहीं टच कर सकते, आप छोड़ नहीं सकते, बता हाथ न लगाना। खबर उत्तर प्रदेश लखनऊ से। सपा नेता अब्बास हैदर ने किया हंगामा, पत्नी और मां की मौत के बाद हंगामा। अब्बास हैदर ने अस्पताल में हंगामा किया, प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। आलिया अपार्टमेंट के मलबे में महिला की बॉडी मिली, एसडीआरएफ की टीम को मलबा हटाने के दौरान मिली बॉडी। मलबा हटाने के दौरान एक महिला की बॉडी मिली, शबाना नाम की महिला की मलबे से शव बरामद। आलिया अपार्टमेंट हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी, हादसे में अब तक 3 महिलाओं की हो चुकी है मौत, 9 में टीचर थी मृतक महिला। आप बाजी छोड़ दो, बाजी नहीं टच कर सकते, आप छोड़ नहीं सकते, बता दे रहा हूँ, हाथ न लगाना। रेस्क्यू के नाम पे अगर तमाशा देखना हो तो आप यहाँ पर देखिए, सारे चैनल आप लोग योगी आदित्यनाथ और प्रशासन की वाहवाही कर रहे थे, वहाँ पे एसडीआरएफ की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी, 100 लोग खड़े फोटो खिंचा रहे थे, वीडियो बना रहे थे, रेस्क्यू करने के लिए 4 लोग, इतना जहाँ पे कहा मैंने ट्रीट करो वहाँ पे नहीं किया, देरी करी, दम घुट के मरे ये लोग, दम घुट के मरे मेरे परिवार के लोग, दम घुट के मरे हैं। हम चाहते हैं कि न्याय हो, ये गलत है, हत्या हुई है प्रशासन के द्वारा, हत्या हुई है प्रशासन के द्वारा, पहले तो अवैध बिल्डिंग बनवाते हैं, फिर उसके बाद लोग बढ़ते हैं। सिविल हॉस्पिटल में क्या कहना आपको, सिविल अस्पताल के जो रेस्क्यू के नाम पे तमाशा हुआ है, रेस्क्यू के नाम पे तमाशा क्यों किया गया, जब कहा, जब मैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जानता हूँ, मैंने बार बार कहा कि यहाँ पे ड्रिल करो, वहाँ पे नहीं किया गया, तो नीचे के कई फ्लोर काट दिए गए, हम देखा पहले फ्लोर पे लोग हैं, नहीं किया गया, पूरे 6 घंटे तमाशा होता रहा, एक साथ कई टीमें खड़ी रही, काम नहीं किया, किसकी लापरवाही बना रहे हैं, प्रेशर, कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं थी, कोई उनके पास एडवांस इक्विपमेंट नहीं थे जिसके थ्रू वो ड्रिलिंग करते या वो इवैक्यूएशन कर पाते, कोई सक्शन मशीन नहीं थी किसक कर पाते मलबा, वहां पर लोगों के दम घुटने से मौत, ऑक्सीजन नहीं पहुंचाई गई, झूठ बोला गया कि पानी दिया गया, ऑक्सीजन दिया, कुछ नहीं दिया जा रहा था, यहां तक कि आइडेंटिफाई और लोकेट भी नहीं किया गया था। किसकी लापरवाही आप मानते हैं? प्रशासन की लापरवाही है, प्रशासन जिम्मेदार है और प्रशासन अब डेड बॉडीज भी नहीं जाने दे रहा है। अभी पुलिस आपसे क्या कह रही है? हत्या है, ये हत्या है, ये सरनाम हत्या है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, बड़े बड़े अधिकारी मुख्यमंत्री आकर के वहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, मीडिया बाइट दे रहे हैं, वाहवाही लूटने के लिए, ये बताने के लिए कि हम खड़े हैं। अरे भाई, आपने जब मैं कह रहा हूँ आप वहाँ इवैक्यूएट नहीं कर रहे, खड़े होकर के वीडियो बना रहे, सुबह से शाम तक बैठे, कह रहे हैं कि बहुत अच्छे अफसर है, रात भर बैठ के, रात भर बैठ करके उन्होंने जो है बचाने का काम किया, ये क्या है, तमाशा है, अपने आप पब्लिसिटी करेंगे, अपने पीआर बना रहे, ट्विटर अकाउंट पे डालेंगे अपने आप, सारी एनडीआरएफ एसडीआरएफ ट्विटर अकाउंट के लिए वीडियो फोटो खींच रहे हैं, वो कह रहा है लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कर क्या रहे हो आप? हम चाहते हैं इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, गिरफ्तार हो, और हमारे जो परिजन हैं उनकी डेड बॉडी को यहाँ से जाने दिया जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे परिवार में मैं 5 लोग हैं, मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ, 2 लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, मेरी पत्नी और मेरी माता जी, और मेरा एक बेटा और मेरे पिताजी एडमिट है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, लेकिन अगर सरकार के अंदर जरा भी शर्म और सहानुभूति है तो इंसानियत दिखाएं। यहाँ पे प्रशासन दिक्कत कर रहा है, हमारे समस्या पैदा कर रहा है, बात हो गई कि हम कंसेंट दे रहे हैं, पंचनामा करके बॉडी जाने दी, अब क्यों तमाशा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।